सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। एक महीने में अरणन घरन जी पक्क। जी हाँ दोस्तों, एक दफो वरी रिश्तो.com जी शानदार सफलता। एक महीने में अरणन घरन जी पक्क। जे कदे तवां के भी पेंजन बारन ला मैचिंग घर खपन त अजु ही कांटेक्ट कयो रिश्तो.com। सिंधियन जो सिंधियन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में अब भी कई परिसरों में पानी की किल्लत को लेकर शहरवासी परेशान हैं। कैंप 5 के दशहरा मैदान के पास बैरक नंबर 1741 के रहवासियों को पिछले 1.5 से 2 महीने से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, इसी परिसर में मनपा की 2 पानी की टांकियां हैं और यहीं मनपा की टैंकर पॉइंट भी है। इसी टैंकर पॉइंट से टैंकरों में पानी भर भर कर सप्लाई किया जाता है और महज 500 मीटर की दूरी पर लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय रहवासियों ने इसके लिए प्रशासन, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार बताते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। पानी दो, पानी दो। अमर हल नहीं हुआ तो हम ऑफिस के बाहर का आंदोलन करेंगे। फिर से साधना गुरनानी 1741 बैरक नंबर। हमारे को पानी का बहुत तकलीफ है, उठा नहीं सकते, तभी भी हम उठा के भर रहे हैं। कभी हम बीमार हो गए तो कौन जिम्मेदार है? इनका बार बार जा रहे हैं सतराम के पास, खड्डा खोद रहा है फिर बंद कर रहा है। हमारे को बहुत तकलीफ है पानी का, एक बूंद भी नहीं 15 दिन से आ रहा है। 2 बैरक में पानी आ रहा है, हमारे बैरक में पानी एक बूंद नहीं है। 41 में चौ सुना तो मेरा नाम नीता है। बैरक नंबर 1741 में रहते हैं। हमारे गली में 1 महीना हुआ है पानी नहीं है। अच्छा, पीछे गली में पानी आता है, 2 गली में, इधर नहीं आता है, ऐसा क्यों है? तो इसके बारे में आपने यहाँ के नगर सेवक है उनसे बात की? हाँ, मेंबर को बोला है। लेकिन वो लोग हाँ करते, लेकिन कुछ होता नहीं है। खड्डा खोद रहे हैं, बंद कर रहे हैं। हाँ, बोलते हैं कैमरा में देखा है, लेकिन कुछ फॉल्ट नहीं है। अगर फॉल्ट नहीं है तो क्यों नहीं आता है? सही बात है ना? मनपा के अधिकारियों को आपने इसकी शिकायत की है? शिकायत किया है ना, रोज किया है, रोज करते हैं शिकायत, रोज करते हैं, जाते भी हैं, शिकायत करते हैं। सुबह को बच्चे लोग सर्विस पे जाते हैं, बाबू उधर डब्बा बनावे, इधर टंकी से में से पानी भरे, फिर लेके जावे, कैसा होएगा? अभी आप क्या चाहते हैं? तो पानी चाहिए ना, पानी चाहिए हमारे को, बाकी कुछ नहीं चाहिए। फिर इतने दिनों से पानी नहीं आ रहा है तो आप कहाँ से पानी लाते हैं? तो ये बोरिंग का पानी है ना, बच्चे लोग लगाते हैं, वो बाल्टी छोटा छोटा भर के फिर अंदर काम करते हैं। वो क्या होता है, मंदिर से लेके नहीं है ना, पीने का पानी बाजार से मंगाते हैं। ये बोरिंग है, सुबह को आता है, थोड़ा बच्चे लोग लगाते हैं, थोड़ा भरते हैं। एक दो आप क्या अभी क्या क्या मांग क्या करते हो अभी? मतलब बात हो है, हमारा पानी का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, कम से कम 1 घंटा चाहिए। 1740 बैरक में 1 महीने से पानी नहीं आया है। हम कई बार सतराम के पास गए हैं, कोई रीजन नहीं निकल रहा है। खाली वो आशा दे रहे हैं, लाइन बना के दे रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, पानी वाला आएंगे, खड्डा खोद रहे, मगर कोई रीजन नहीं आ रहा है। आज पूरा 1 महीना हो गया, पूरी गिल्ली परेशान है, बार बार से भर भर के हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। कोई रीजन नहीं है, नहीं सतराम दास ध्यान देता है, नहीं गंगोत्री ध्यान देता है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहे यहाँ पे। पाटिल साहब को भी कितनी बार बोला गया है भाई वहाँ से आप प्रेशर बढ़ाइए, पर कुछ रास्ता नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ हाँ हाँ बोल रहे हैं। अभी एक आगे के बारिक में पानी आ रहा है, 1700 पानी नहीं आ रहा है, बस। तो इसकी क्या रीजन क्या है? 1740 बोल रहे हैं, रीजन बोल रहे हैं, दोनों बैरक में पानी नहीं आ रहा है, बाजू में जो 2 बैरक है वहाँ पर पानी आ रहा है अच्छी तरह से, मगर यहाँ पे कोई रीजन नहीं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।